सुन साले तेरी फिल्म बना दूंगा, तू बोला कैसे मेरे से फालतू, ये बता। तब ये तो आ गए पहाड़ी रास्ता, मॉल का पार्किंग का रास्ता कह लो चाहे पहाड़ी रास्ता कह लो। तो क्या है साले, मजदूर हूँ मैं। हम पहुंच गए अपने वेन्यू के अंदर, मैं अपना कैमरा कर रहा हूं। राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक नए ब्लॉग में। एक माय फ्रेंड्स वेलकम वेलकम, एक और नया दिन। आज तारीख है 2 तारीख और मैं जा रहा हूँ आज अपने जो मेरा काम होता है फोटोग्राफी का उसके शूट पे। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं कहीं आने जाने को, और जो मेरे दोस्त ने मेरे को काम बताया था बेवकूफ़ बना दिया मेरा। कोई मेरी आईडी चली नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं चला। मैंने उसको पकड़ा दिया उसके हाथ में वापस कि तो भाई इसे ऐसे रख ले, मैं ऐसे ही कुछ कर लूँगा। तो बस आज मेरे पे अपना काम था फोटोग्राफी का, तो उसका इवेंट शूट था, तो सोचा आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी और आप लोगों को दिखा भी दूंगा कि मैं अपना काम कैसे करता हूँ और किस हिसाब का मेरा काम होता है और मैं कैसे शूट कर लेता हूँ। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5 बजे के आसपास। आज की जो मेरी लोकेशन है वो है क्रॉस रिवर मॉल कड़कड़डूमा दिल्ली, उसके अंदर है। पर फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ बुराड़ी। देखो देखो मज़ा, देखो ट्रैफिक का मज़ा गाइस। कोई भजनपुरा आके कभी कोई ट्रैफिक में फंसा है? कोई फंसा हो तो जरूर बताना मुझे, और भजनपुर का ट्रैफिक में कितनी देर फंसे हो और ये जरूर बताना। नहीं आता कि यहाँ ट्रैफिक इतना लगता क्यों है, बस स्टैंड कह लो कुछ भी कह लो। हाँ एक चीज मैंने देखी, जब मुझे कहीं जल्दी जाना होता ना तब मेरे साथ ये ट्रैफिक वाली ट्रेजेडी जरूर होती है। औरों को तो पता नहीं, मेरे साथ जरूर होती है कि जब मुझे कहीं जाना होता जल्दी तो मैं ट्रैफिक में जरूर फंसता हूँ, और जब मुझे कहीं नहीं जाना होता ना तो मैं ट्रैफिक में फंसता ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे यार। एक चीज मैंने देखी, कोई कितना भी शरीफ बंदा होगा ना रोड पे अगर कोई गाड़ी चला रहा ना, उस शरीफ बंदे की भी एक न एक मतलब दिन में एक न एक बार उसकी जबान जरूर है, गाली वाली निकलती जरूर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये मैंने नोटिस करी है ना, रोड पे होता ही ऐसी चीजें। कभी कोई कैसे कुछ कहते तो बंदे की ना चाहते हुए बंदा आत्मा से ना दे तो मन से गाली ना दे तो दिल से तो गाली ना दे तो मुंह से जरूर दे ही देता, साड़ ये वो कर रहा है। फिलहाल ये है जो हमारे खजूरी के ऊपर जो ये पार जा रहा है ना देहरादून एक्सप्रेस वे, सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे, ये ऊपर देख सकते हो आप। और ये मेट्रो का काम, ये इधर मेट्रो है और इसके ऊपर देहरादून एक्सप्रेस वे भी है। ये हमारे नितिन गडकरी जी ने बहुत जल्दी जल्दी काम खिंचवाया है, जो हमारे केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री हैं। हाँ बहुत जल्दी जल्दी काम खिंचवाया है। अब इससे होगा ये कि जो बाहर जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो इधर से इधर वो डायरेक्ट इन जल्दी से दिल्ली में आएंगी नहीं एंटर, तो ऊपर ऊपर निकल जाएंगी। एक मिनट में गाड़ी साइड में रोकेगा, ये फंस गया सी है। धुंधला धुंधला सा, बहुत जंपिंग जैक लग रहा है इसमें, कैमरा तो हिला होगा अच्छा खासा यार। और ये आ गया हमारा सिग्नेचर ब्रिज। इस पे लोगों ने यार इतनी अफवाह उड़ाई थी कसम से, बाईगोड के ऊपर रेस्टोरेंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, भुइया की जड़ चल रहा है इसमें। चूतिया बनाया तुमको। हाँ कोई बंदा भी कह रहा है इस पर रेस्टोरेंट चल रहा है। अबे बता यही मिला रेस्टोरेंट खोलने के लिए लोगों को, हैं? लोगों को पागल बना तो किसके नाम पे यार, इतनी भीड़ लगी रहती थी इस पर। लोग अब भी ऐसे मतलब इसे वो बना लेते हैं फोटो पॉइंट, यहाँ पे आके फोटो खिंचा लेंगे। अबे रोड चल रहा है साइड होकर फोटो खिंचवा लो। ये देखो महानस्थी खड़ी है, देखो दिख रहे होंगे ये सब खड़े हैं साले, ये फोटो खिंचवाने के नाम पर ये कलूटा बैठा लड़की लेके यार। देखो बाय गॉड यहाँ पे है ना बंदे टूरिस्ट, इसे टूरिस्ट अड्डा बना देंगे, गवर्नमेंट यहाँ पे टिकट और लेने लग जाएगी इनके चक्कर में। यहाँ रुकोगे तो या तो गवर्नमेंट टिकट लेगी या पुलिस, लग रहा है मुझे आने वाले साल 2-3 साल में ऐसा लग रहा है कि यहाँ देख के। ये हमारी जमुना जी, हमारी यमुना नदी को देखो कि किसे मतलब लोगों ने गंदा कर रखा है यार, मतलब कोई वो ही नहीं है। एक चीज़ तो देखिए, भारत देश हमारा नदी को माता कहता है, और इतनी गंदी ज़्यादातर नदियाँ मिलती हैं लोगों को, मतलब फैक्ट्रियों से ले लो, लोगों से ले लो, इतना मतलब गंद मचा। और बाहर की अदर कंट्री में सिर्फ नदी को नदी बोलते हैं और वहाँ कितनी साफ रहती हैं, तो ये फ़र्क पड़ता चलता है। सिर्फ कहने से नहीं होता, लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी पड़ेगी और उस पर वो करना पड़ेगा कि हमें खुद इसमें देखा जाए कि गंदगी ना फैलाई जाएगी यार। ये हमारा देश, ये नदियाँ, हमारा पर्यावरण, इसी से हम जीवित हैं। अब यही दूषित रहेगा, यही सब कुछ रहेगा तो हमारा क्या ही होगा। यही हमने नदी का पानी लोगों को पीने के लिए आता है फिल्टराइज हो गया, जब इसे ही तुम साफ नहीं रखोगे तो फिर तुम्हें क्या ही पानी मिलेगा पीने के लिए।
इसलिए हो सके जितना अपने नेचर को साफ रखो, अपने आसपास सफाई रखो, सुरक्षित रहो ज़्यादातर, और नेचर का खास कर ख्याल रखो। तो मैं चल रहा हूँ ना, इसे कहते हैं मतलब भारी मुद्रिका रोड, पर ये रोड ऐसा है कि इसमें जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो रोड पे नहीं रोकते हैं, हाँ ऐसे हाथ दे के नहीं रोकेंगे, पुलिस वाले साले राइडर बन के पीछे बाइक लगा देते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जो बंदा ट्रिपल बैठा हो, हेलमेट नहीं लगा रखा हो, कुछ नहीं लगा रखा हो, वो बंदा इसमें पुलिस वाला पीछे लगा देता है। हाँ, जो पुलिस वाली बाइक होती है ना, उस पर जो इनकी होती है बीट वाले जो होते हैं वो, हाँ इतनी चलाना नहीं, 60 भी चलाता हूँ, 60-70 जब रोड दिखता खाली, नहीं तो 40-30, 40-50 बस। अरे बाइक है, अपनी लाइफ है, क्या करना भगा के इतना, हमें कंपटीशन तो कोई करना नहीं है। ओह माय गॉड, बुरवाड़ी में दिखे हमको नाइजीरियन, घुस गया मुकुंदपुर के अंदर। यहाँ की ओ बेटा, अंकल पापा बन जाता तेरा अभी। बता यार, बच्चों के माँ बाप इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, अकल नहीं देते कि रोड पार करनी चाहिए, कोई गाड़ी आ रही कैसे करनी चाहिए, ना लग जाए फिर गाड़ी वाले को पकड़ के फिर उससे लड़ो। गाइस मिठाई खा लो देख देख के। जूस पिला दो, मौसमी का जूस पिला दो, सर दर्द हो रहा है यार। वो मिट्टू है ऐसा बोल लेता यार, जूस पिला दो मौसमी का जल्दी। हाँ ये डायलॉग मिट्टू का है। और ये आगे गाली, अच्छा वाह भैया ने माला पाला डाली, पूजा कर दी, देख बालक देख नंगे पंगे घूम रहे हैं, हट जा। ओ माय गॉड ललित, ओ माय गॉड, ये ललित की बाइक है। अरे मैया, तू क्या देख लियो, रिबन पिबन। बस बढ़िया, हेलो राम राम। ये ललित बाइक पे रिबन पिबन लगा के लाया बाइक पे। ए फ्यू मिनट्स लेटर, मैं निकल चुका हूँ मुकुंदपुर से अपना, वहाँ से ऑफिस से भाई के लड़कों को ले लिया, एक मेरे साथ बैठा है और एक पीछे आ रहा है। ये रहा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ये देखो ये जा रहा है, ये काला प्राणी साला अपने टूटी हुई बाइक पे रिबन लगा के लाया। रिबन कितना ले, कितना खर्च करा, 101 कद्दू नई गाड़ी है। अबे गाड़ी उसे कह रहे थे, एक बाइक पे देख क्या ले जा रहा वो। अब फिलहाल के लिए अब जा रहे हैं लक्ष्मीनगर, लक्ष्मीनगर के पास जो क्रॉस रिवर मॉल है उसमें, तो चलिए चलते हैं। ये साले ऐसे हैं, ये फॉर्मल ड्रेस पे स्पोर्ट्स शूज पहनने वाले। हाँ ये देखो दिखा रहा है कि हाँ मैं ही हूँ। ललित कितने में बिका, ललित कितने में बेची, ऐसे कर ऐसे, कितने में बेची। हाँ देखा, अपने आप कह रहा 20 रुपए में बेची इसने, अब समझ जाओ कि इसने क्या बेची हुई क्या नहीं। अच्छा 50 में, और बांडिया 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 भी 50 में। तो फिलहाल हमें तो जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि वहाँ क्लाइंट का टाइम 6:30 बजे का है, हमें यहीं 6 बज गए हैं। तो मैं जितनी जल्दी हो सका अपना इन लड़कों को उठाया और उठा के भागाया। खैर अभी ट्रैफिक का तो टाइम नहीं है, बट आज छुट्टी है। सिग्नेचर सिग्नेचर, इसका नाम किसने रखा, किस चीज का सिग्नेचर है ये? बैंक ऑफ बड़ौदा का सिग्नेचर है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। यहाँ तो अभी भी दिवाली की डेकोरेशन चालू है पूरी मार्केट में।
पूरा रोड जगमग जगमग कर रखा है। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, प्रकाश का पर्व है, देखो हर जगह ही रोशनी रोशनी, तिरंगे वाली लाइट और हर जगह ही लाइट ही लाइट। और एक बैड न्यूज़ दूँ, मेरा साथ वाला जो था लड़का जो पीछे वाली बाइक पर आ रहा था वो बिछड़ गया है। पहले तो ये बता जुगाड़ तू रुक कहाँ गई थी हैं? तू तू आ गया था, तू सीलमपुर से आ गया सीधा? तो रोता कौन सा वाला? अच्छा, अरे यार मैं सीधा निकल आया छात्रा से, मुझे लगा तू पीछे रह गया होगा। मैं पीछे रह गया था? सुन साले तेरी फिल्म बना दूंगा, तू बोला कैसे मेरे से फालतू, ये बता तू बांडिया के साथ है? भाई अपनी पार्किंग की पहचान कर लियो, बुलेट सही है। तो क्या है साले, मजदूर हूं मैं। इसकी साले बाइक उठा उठा के रखूं। भाई तू कैसे पांडे को गाली दे रहा है हैं? पांडे को कैसे गाली दे रहा है? पता भी है कौन से फ्लोर पे जाना है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हम पहुंच गए अपने वेन्यू के अंदर, अभी अपना कैमरा करा मैं, सेटअप ये तो हो गया हमारा, सारा सेटअप हो चुका सामान का। ये वो आ रहा लोलू, हमारा लोलू वीडियो कर रहा है। अभी इस तरीके से वेन्यू है, अपना काम हो चुका है खत्म। यार यार भाई पैक हो गया तुम्हारा कैमरा? देखो भाई ने तो कर दिया कैमरा पैक। भाई पैकअप हो गया, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट ब्रो, ललित गुड नाइट बोल दे। आज की तो वीडियो ना दिखाई। गुड नाइट बोल। अरे खाने की वीडियो ना दिखाई। तो दिखा के जल्दी जा, निकाल कैमरा लेके। गुड नाइट बोल। गुड नाइट। पैकअप हो चुका है, पैकअप करके अब जा रहे हैं अपने घर। और ये दो तो निकलेंगे अलग। ठीक है ललित, आराम से जाना, नींद तो नहीं आ रही? इसको मैंने कर दिया अकेला क्योंकि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर, मुझे सुबह जाना कहीं और। और ये जैसे भी लिखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए अगले ब्लॉग में। समझने वाला समझ। चल ठीक है बांडिया, समझने वाला समझ जाए। चल बाय। ये हमारा नया दोस्त विक्रम, समझने वाला समझ जाए। और ये चूतड़ आदमी देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है।